हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. सो वंस अगेन आई वेलकम टू यू योर ऑनलाइन क्लासेस. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर आवर इंग्लिश थर्ड चैप्टर, द कॉकरोचेस दैट रोट द म्यूजिक. इन दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 34 वार्म अप, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड द पेज नंबर 37 क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वन एंड ग्रामर पोर्शन. वार्म अप ऑलरेडी आई इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्ट्रूमेंट्स नेम. लाइक फाइव नेम्स यू हैव टू फाइंड आउट. वन ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू गिटार एंड वन तबला ऑल्सो इज देयर एंड यू फाइंड मोर वन. ओके, एंड यू ट्राई टू सॉल्व इन द बुक ओनली. सो दिस इज द योर क्वेश्चन आंसर, विच वन वेरी शॉर्ट वन, लाइक MCQ टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी इन बुक योर. सो यू फिल इट इन द बुक एंड राइट इन योर कॉपी ऑल्सो. एंड दिस इज द सेकेंड वन इज द क्वेश्चन आंसर. द डोंट बी कन्फ्यूज, इन योर बुक मिस प्रिंट इज देयर. ओके, यू कैन से नॉट मिस प्रिंट. यू फर्स्ट वन आंसर योर रीड एंड आंसर फर्स्ट वन क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन आंसर योर थिंक एंड आंसर वन. सो दोज आर क्वेश्चन आंसर आई गिवन यू, दैट मच ओनली यू लर्न इट. ओके, दिस ओनली थ्री आर देयर, लॉन्ग वन, सेकेंड एंड सिक्स्थ. डोंट राइट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लीव इट दैट वन. ओनली क्वेश्चन नंबर टू एंड सिक्स यू राइट डाउन. एंड दिस इज द पेज नंबर 35 एंड 36, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. दोज आर ओनली टू इज देयर, सो यू ऑल्सो कम्प्लीट इट. एंड दिस इज द योर ग्रामर पोर्शन. यू हैव टू फिल द सफिक्सेस. ऑलरेडी आई फिल्ड इट, यू डू इन योर कॉपी. एंड द बी एक्सरसाइज यू डू बाय योर सेल्फ. ओके, दिस इज द पेज नंबर 35-36 क्वेश्चन आंसर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वन आई वॉन्ट टू टेल यू, वॉट एवर बी एम टीचिंग यू इन द वीडियो चैप्टर स्पेशली, सो यू डू वन थिंग, यू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. बिकॉज वेन आई विल टेक योर यू टी टेस्ट, सो वी विल गिव यू MCQ टाइप क्वेश्चन. ओके, वी विल डिस्कस ओनली द MCQ टाइप क्वेश्चन. यू टेक द करेक्ट आंसर. यू नो ना MCQ टाइप क्वेश्चन हाउ इट इज. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव सम एग्जाम्पल. सो प्लीज डू वन थिंग ऑल ऑफ यू, यू टेक द करेक्ट आंसर. सो वॉट एवर बी चैप्टर्स आर देयर, यू रीड वेरी केयरफुली एंड समरी ऑल्सो लर्न इट. हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, या पोएट, ऑल द पोएट, ऑल द चैप्टर राइटर्स नेम, समरी, एवरीथिंग यू लर्न इट. ओके, डोंट बी कन्फ्यूज, बिकॉज आई विल गिव यू ऑप्शन इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इन दिस पोएम ऑल्सो एंड द समरी. ओके, when he born it, who's the book of this one, you learn it like that one. And read the chapter in very detail, each line you read it at home. Okay, don't be confused, because mostly MCQ type question I will give from the books only, chapters only. Okay, and like a short answer also, short answer I will not give, but MCQ type question will come in your UT test date I will give you. I hope you got the syllabus. If you not, so I will next video I upload the syllabus also for you. Only three chapters you have learned, two for the course book and one for the grammar book. So no confusion, in next video I will clear you each and everything. So till then you just complete this exercises and this chapter question answer, words meaning also you write down in your copy. Okay, chapter name, number, words meaning, warm up, if you can do in book only so you can do book, otherwise you write in copy also. Okay, if I said, because in this chapter I said you five instrument find out and write down, puzzle like this one in your book. So that one also you do in book and copy also, otherwise solve in the book only, or you write this question answer. Okay, and please once again I'm telling you, you complete your work on time and read the chapter in full detail. No need to leave any line from the chapter. Reading is also good exercise for your vocabulary. If you read the chapter every day, so your English also improve, your vocabulary also improve, and you understood the chapter. And very important, it is easy to solve the MCQ type question also. So again and again I'm telling you, please read and
the poem also and chapter also very carefully and learn the writer name also. I hope you understand this question answer and short one also. So grammar portion also a exercise already I solve it. You try the B one also in your book only, but this one exercise a exercise you do in copy. Okay, so whatever be your doubts, just send me messages, I will see it. Okay, so next video we will discuss all the things, whatever be doubts you have. I have next video I will not read any chapter, but I will tell you how to prepare UT test exam. Okay, so till then take care and have a nice day.